आज जो लोग जीएसटी को ये कह रहे हैं कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा रिफॉर्म, तो वो लोग उस समय कहीं नहीं थे। मैं उसको पुश कर रहा था अकेले भारतीय जनता पार्टी में। तो जीएसटी लागू हुआ, लेकिन जीएसटी लागू जिस तरह किया गया उससे समस्याएं और गहराई। और एक बार जब हम एक झटका दे चुके थे डिमोनेटाइजेशन का, तो उसके तुरंत बाद दूसरा झटका देना, तो बार बार किसी को आप झटका देंगे तो उसका असर पड़ेगा ना अर्थव्यवस्था पर। अब 1 जुलाई से करना कोई आवश्यक नहीं था। 1 जुलाई का वो महत्व नहीं है जो 1 अप्रैल का है किसी वित्तीय वर्ष में। हमने भी उस समय सुझाव दिया कि 1 जुलाई से करने के बजाय इसको 1 अक्टूबर से करो। 6 महीना बीत गया होगा, आपको भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा, बाकी लोगों को टाइम मिल जाएगा, और 1 अक्टूबर से इसको लागू किया जाए। लेकिन सरकार बहुत जल्दीबाजी में थी, उसने कहा नहीं, हम 1 जुलाई से लागू करेंगे। अब उसके चलते बहुत सारी समस्याएं, वो जीएसटीएन जो पूरा आईटी नेटवर्क है, बैकबोन है, वो फेल हो रहा है, तो परेशानियां बढ़ रही हैं। और इसलिए मैंने सोचा कि इस तरफ ध्यान आकर्षित किया जाए, और इससे जो उभरने के उपाय हो सकते हैं उन उपायों पर सरकार काम करे। आपको लगता है कि वित्तीय मामला या फिर अर्थशास्त्र को लेकर जो इस समय सरकार का है वो पूरी तरह से लकवा मार गया है, सरकार कुछ भी नहीं कर रही? नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि लकवा मार गया है। फैसले हो रहे हैं और कई महत्वपूर्ण फैसले हुए भी हैं। लेकिन देखिए, जब हम सरकार की नीति निर्धारण करते हैं तो एक बात याद रखिए कि एक बड़ा पार्ट उसका होता है लोगों के कल्याण की योजनाएं, और एक बड़ा पार्ट होता है अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कदम। हमको लगता है कि सरकार में कुछ इस तरह का कंफ्यूजन हो गया है कि हम जो कल्याण की योजनाएं हैं, हम समझते हैं कि अकेले उसी से अर्थव्यवस्था गति मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अलग से उपाय करने होंगे, और सबसे पहला उपाय करना पड़ेगा कि बैंक के एनपीएस को नीचे लाया जाए। अचानक नहीं नीचे आएगा, 40 महीने में नीचे आना चाहिए था, नहीं आया है। अभी भी कोई कदम हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिससे ये कहा जाए कि बैंक के एनपीएस का हम ये कर लेंगे। सरकार ने एक बैंक्रप्सी बिल लाया, एक्ट बनाया, 40 बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ आज बैंक्रप्सी का प्रोसीडिंग चल रहा है इस देश में, अखबारों के रिपोर्ट के मुताबिक। तो उससे अब वो बैंक्रप्ट हो गया तो बैंक का कर्जा तो वापस नहीं करेगा, इसलिए उसके लिए दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो टास्क था इस सरकार के सामने वो था कि बैंक्स की हालत में सुधार करो, जो अभी तक हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं। अब सर, सबसे बड़ा कारण क्या लगता है आपको? नोटबंदी लगता है? नहीं, नोटबंदी मैंने आपसे कहा ना कि अगर 1.5 साल से अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो रही है तो नोटबंदी तो उसके मध्य में आया। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि नोटबंदी के परिणामों के बारे में पूरी छानबीन करनी चाहिए थी। ये सोचना चाहिए था कि इसका अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या असर पड़ेगा, रोजगार के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और ऐसे समय पर उसको नहीं लाना चाहिए था जब अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी।